सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज तक भैया कभी ना कभी एक ना एक बार इंटरनेट ब्राउज करते समय आप में से सभी ने यूज किया होगा गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो मोड या फिर किसी और ब्राउजर का प्राइवेट ब्राउजिंग मोड। और ऐसे में शायद कभी ना कभी तो आपको जरूर लगा होगा कि भाई अभी जो है ना मैं सबसे छुप गया हूं, कोई भी सबूत यहां पे बाकी नहीं है कि मैं इंटरनेट पे क्या काम कर रहा हूं, क्या वेबसाइट्स पे जा रहा हूं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे थोड़ा सा इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो, इसके ना यूज़ करने के सिनेरियोज अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप नहीं चाहते कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में आए, या फिर दोस्तों आप हो सकता है कई बार ऐसे ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा अगर सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए टेम्प्रेरी बेसिस पे, आप वो चीज़ भी नहीं चाहते हैं कि आपकी हिस्ट्री में आए, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि वो जो है अगर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं किसी ब्राउजर को तो वहाँ पर रिकॉर्डेड रहे या फिर कोई कुकीज़ वगैरह स्टोर हो। तो वो एक सही बात है कि भाई यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है क्रोम में इनकॉग्निटो मोड का या फिर किसी और ब्राउजर में प्राइवेट ब्राउजिंग वगैरह का, तो वो एक बात ठीक है। लेकिन कुछ लोग ना इसको समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा हथियार मिल गया, जैसे कि भैया क्रोम के बगल में एक सीक्रेट दरवाजा है, मैं वहां से सब कुछ ब्राउज कर रहा हूं तो किसी को नहीं मालूम कि मैं भैया क्या ब्राउज कर रहा हूं, क्या इंटरनेट पे काम कर रहा हूं। और ऐसे भी अगर उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है तो वो आर्ग्यू भी करते हैं कि इसका मतलब फिर इसको बनाया है क्यों, इसका मतलब ये हुआ ना इनकॉग्निटो, मतलब देखो मैं छुप गया पर्दे के पीछे और मैं यहां से काम कर रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने कभी इनकॉग्निटो मोड खोला हो, फिर चाहे वो आपके कंप्यूटर में खोला हो चाहे अपने मोबाइल फोन में ओपन किया हो, आपने वहां पे शायद एक लाइन नहीं पढ़ी, भाई देखो वो आपकी हिस्ट्री को स्टोर नहीं करेगा, सच बात है, इसमें कोई मिथ नहीं है, वो कुकीज को उस पर्टिकुलर सेशन में स्टोर नहीं करेगा, बिल्कुल सच बात है, कोई मिथ नहीं है। लेकिन वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि आपकी ISP आपको ट्रैक कर सकती है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्कूल या ऑफिस है तो वो ऑफिशियल्स आपको ट्रैक कर सकते हैं, ऐसे में गवर्नमेंट भी आपको ट्रैक कर सकती है। और हम उसको कई बार एक्साइटमेंट बिना पढ़ना भूल जाते हैं, सीधा इनेबल करते हैं इनकॉग्निटो मोड, उसके बाद में जो आपको करना है आप करते हैं वहां पे ब्राउज़र, आपको ये लगता है कि भाई हम जो है वो पर्दे के पीछे हैं। अब यहां पर दोस्तों देखिए स्टोरी के ना दो थोड़े से हिस्से हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं। आप कोई भी अगर वेबसाइट ब्राउज करते हो तो वो या तो HTTP बेस्ड है या वो HTTPS बेस्ड है। दोस्तों जो HTTPS है उसमें होता सिर्फ इतना है कि जो भी आप डेटा भेज रहे हो अपने सिस्टम से उस वेबसाइट तक या फिर आप जो भी डेटा रिसीव कर रहे हो वो होता है इनक्रिप्टेड, यानी कि बीच में किसी को भी नहीं मालूम कि भाई वो डेटा क्या है। अच्छी बात है, बीच का मतलब ये कि जो आपकी ISP है, क्योंकि जो कनेक्शन आपके घर तक आ रहा है वो तो आपके ISP यानी कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किया है, तो उसको भी नहीं मालूम कि वो जो कनेक्शन है वहां से आप क्या डेटा भेज रहे हो या रिसीव कर रहे हो। अगर आप किसी HTTP बेस्ड वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे तो उसके पास में वो भी ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो वो बड़े आराम से ट्रैक कर सकता है कि आप किस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके कौन से पेज पे जाके क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो। चलो ठीक है, आजकल जो बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं सभी ऑलमोस्ट HTTPS बेस्ड ही हैं, कुछ हैं जो अभी भी काम करती है HTTP पे तो उनको हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए, लेकिन ये तो हो गई पहली बात। अभी आपको लगता है कि हाँ मेरी जो मोस्टली वेबसाइट्स हैं वो तो सभी HTTPS बेस्ड हैं, तो ऐसे में उसको क्या मालूम कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों वो जो है वो एक डाकिया है, भैया आपके लेटर के अंदर क्या है उसको वो नहीं भी मालूम, तो ये तो उसको मालूम है कि वो लेटर कहाँ भेज रहा है और कहाँ से लेटर लाके आपको दे रहा है। अगर आपने डाला है ब्राउजर के अंदर भैया ऊपर एड्रेस बार में youtube.com, तो वो उसको मालूम होगा दोस्तों DNS सर्वर के थ्रू कि भैया वो कौन सा IP एड्रेस है जिस वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हो, जहां तक डेटा पहुंचाना है, जहां से डेटा वापस लेके आना है। अभी आपने यूट्यूब के अंदर जाके कौन सा वीडियो देखा, चलो ठीक है उसको वो नहीं मालूम, लेकिन आप यूट्यूब पर गए थे इतने टाइम पे गए थे ये तो उसको क्लियरली मालूम है। तो यहां पे वो जो दोस्तों डाकिया है आपकी जो ISP है बीच में, उसको ये मालूम है कि आपके जो पैकेट्स हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, वो कौन सी वेबसाइट्स तक पहुंचा रहा है और कौन सी वेबसाइट से आप तक वापस लेके आ रहा है। ऐसे दोस्तों वो इस चीज का रिकॉर्ड रखें या ना रखें वो एक अलग बात है, लेकिन वो यहां पे इस चीज का रिकॉर्ड जरूर रखते हैं कि आपके कंप्यूटर में आपके बेसिकली कनेक्शन पे किस टाइम पे कौन सा IP एड्रेस एलोकेट किया हुआ था, यानी कि और मतलब इसका दोस्तों रिकॉर्ड तो कई कई सालों तक रहता है कि मान लो अगर कल को कोई इंक्वायरी
कार्रवाई होती है अगर किसी ने कुछ इलीगल काम किया है, अगर मान लीजिए पुलिस यहाँ पे दोस्तों आती है बीच में, तो पुलिस क्लियरली पूछ सकती है कि ये आईपी एड्रेस इस टाइम पे किसको असाइंड था, तो उनके पास में रिकॉर्ड के अंदर क्लियरली मेंटेन्ड है कि हाँ ये जो कस्टमर है इसके पास में ये इतने बजे इस तारीख को ये वाला आईपी एड्रेस था। इसका मतलब क्लियर है कि वो जो क्राइम है वो उस इंसान ने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज का रिकॉर्ड तो वो रखते ही है, और इसके अलावा कुछ केसेस में अपने फायदे के लिए भी वो इन चीजों का रिकॉर्ड रख सकते हैं कस्टमर हैबिट्स का पता लगाने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है ये कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करता है, कितनी कितनी बार विजिट करता है, और किस टाइम पे कौन सा काम कर रहा है इंटरनेट पे, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो उसको नहीं मालूम है, लेकिन आप कौन सी वेबसाइट पे गए ये बात दोस्तों क्लियरली मालूम है, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगली बार आप कभी अगर इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैकिंग पॉसिबल है। आपके ISP बड़े आराम से पता लगा सकती है कि आप कौन सी वेबसाइट पे हो और कितनी बार हो। हालांकि दोस्तों बहुत से केसेस में ये काफ़ी यूजफुल भी होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई टिकट्स वगैरह की प्राइस चेक कर रहे हैं तो ऐसे में इनकॉग्निटो मोड अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपकी हेल्प करता है कि भाई जो वेबसाइट्स हैं वो आपको ट्रैक नहीं कर पाती हैं एक तरीके से, कि भाई आपने जो है वो बार बार अगर कहीं पे एक पर्टिकुलर डेट पे आपको टिकट सर्च कर रहे हैं तो नॉर्मल दोस्तों कुकीज से ट्रैक कर लेती हैं। इनकॉग्निटो मोड में सर्च करना थोड़ा सा बेटर रहता है। इसके अलावा आप जो है अगर चाहते हैं बिल्कुल फुल प्रूफ काम काफ़ी हद तक, तो अगर आप ठीक तरीके से एक VPN को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक सही चीज़ है, जहाँ पे आपके ISP को डायरेक्टली आपकी वेबसाइट जहां पे आप जा रहे हैं उसके बारे में नहीं पता है, वो एक सर्वर का एड्रेस उसको मालूम है कि आपका डेटा यहां से जा रहा है लेकिन वहां से आगे कहां जा रहा है उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि उसको भी ट्रैक किया जा सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है। दोस्तों यही पूरा सीन है इनकॉग्निटो मोड का, प्राइवेट ब्राउजिंग का। उम्मीद है कि आपको आगे से मालूम रहेगा कि जो आपका ISP है वो अगर चाहे तो आपको ट्रैक कर सकती है। इसीलिए इंटरनेट पे जो भी काम करें पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।